करती हूँ कि अगर किसी का भी कोई क्वेरीज हो तो आप हाथों हाथ मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लाइफ में भी किसी ने मुझसे पूछा, दो चीज़ें पूछी मैं बता दूँ। एक ने पूछा क्या मेरा पेट शॉप है, मेरा पेट शॉप है लेकिन घर में ही है। मैं डॉग रिलेटेड सारे एक्सेसरीज जो मतलब बेल्ट, लीश, कॉलर, डॉग बोल, एंटी टिक मेडिसिन, जो भी मतलब डे टू डे ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं घर में रखती हूँ, मैं सेल भी करती हूँ। क्योंकि पेट पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मयूरिका आपके यहाँ हम लोग डॉग रखते हैं तो आप ही के यहाँ से माइट एज वेल हम लोग ले लें। मैं कोई किसी भी एक लाइफ में मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास क्या क्या सामान है। अगर आपको पसंद है तो हम लोग होम डिलीवरी भी कर देते हैं, तो वो एक आप देख लीजिएगा। दूसरा, मुझे किसी ने पूछा कि क्या मैं पप्पी सेल करती हूँ। नो, मैं पप्पी सेल नहीं करती हूँ। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग पप्पीज, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एडॉप्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत डॉग्स हैं जो शेल्टर होम में हैं जिन्हें एक अच्छे घर की ज़रूरत है। क्यों आप इतने हजारों रुपया खर्चा करके आप पपीज खरीदते हैं? मैं तो यही कहूंगी कि आप शेल्टर होम में जाइए, ऐसे बहुत डॉग्स हैं, चाहे वो इंडियन ब्रीड हो चाहे पेडिग्री ब्रीड हो, जिनको एक घर की ज़रूरत है। वहां से आप एक ले लीजिए बच्चे, उसको भी एक ज़िंदगी मिल जाएगी और आपको भी बहुत सुविधा होगी। एक पपी को रेस करना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। उनके टॉयलेट ट्रेनिंग, उनके ऊपर बहुत खर्च भी आते हैं, प्लस वो बहुत कई टाइम टाइम डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, फिर आप इरिटेटेड हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप एक एडल्ट डॉग जो लैंग्विश कर रहे एक शेल्टर होम में, जिसे एक घर की ज़रूरत है, एक फैमिली की ज़रूरत है, वहाँ से आप ले लीजिए। एक अच्छा काम भी आप करेंगे और एक आपको एक एडल्ट डॉग भी मिल जाएगा, उसे भी एक घर मिल जाएगा और आपके भी वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे कि ट्रेन करो, ये करो, वो करो। तो प्लीज़, मैं पपीज सेल भी नहीं करती हूँ। आई एम टोटली अगेंस्ट सेलिंग एंड बाइंग ऑफ डॉग्स एंड पपीज। सो आप, और इससे क्या होता है कि आप पपी मिल्स को भी इनकरेज करते हो। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, एक मुद्दा है जिस पर फिर मैं कभी बोलूंगी, आप समझोगे। जब मैं बोलूंगी तो आप समझोगे कि क्यों मैं मना कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ जब आप सुनोगे जानोगे तो एक बारी आपको भी लगेगा कि नहीं, ये पपीज खरीद के आप भी एक तरह से गुनहगार हो इन बच्चों का, इन फरी किड्स का, इन फरी बेबीज का। तो ये क्यों है, कैसे है, ये मैं फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। ये अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अवेयरनेस होने के बाद कई बार ऐसे लोग हैं जो पपीज खरीदना चाहते हैं लेकिन वो नहीं खरीदते हैं, वो एडॉप्शन पे जाते हैं, वो एडॉप्ट करते हैं। तो ये अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं टाइम टू टाइम ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार कई लोगों की वो नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन जब वो सुनते हैं जानते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं। सो, आज मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं फिर नेक्स्ट लाइव में जब आऊँगी मैं आप सबको बताऊँगी। आशा करती हूँ कि उस दिन कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेरे किसी लाइफ में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है तो जो मुद्दा मैं उस दिन डिस्कस करती हूँ वही मुद्दा को मैं एक वीडियो बनाकर फिर आप लोग के सामने लाऊँगी, जैसे मैंने आज लाया। सो, आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, आप अच्छे से रहो। और ये पैंडेमिक का जो सिचुएशन चल रहा है, मैं चाहती हूँ ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, एक नॉर्मल लाइफ जो हमारी पहले थी वो वापस आ जाए। तो आप खुश रहो, अच्छे रहो, आपका दिन शुभ रहे।